आप सबको मेरा प्रणाम। इनसाइट आईएएस की जो मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है हमारी अप्रैल मंथ की, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। बीच में मैं कुछ दिन आ नहीं पाया था, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था, पर अब हम इसको कंप्लीट करेंगे फटाफट, जल्दी जल्दी निपटाएंगे। तो आज हम लोग करेंगे, हम लोगों ने जो अब तक के जो टॉपिक्स कर लिए थे, GS1 हम लोगों ने पूरा कर लिया है। आपके पास मैगजीन होगी, आप चेक कर सकते हैं। GS1 हम लोगों ने कम्प्लीटली निपटा दिया है। GS2 के अंदर हमारे कुछ टॉपिक्स हो गए हैं, जैसे कि स्टार्टिंग के 4 हो चुके हैं। अब हमको स्टार्ट करना है JN के डोमिसाइल से और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पेज नंबर 27 पर चलते हैं फटाफट। ऑलराइट, JN के डोमिसाइल रूल्स, ऊपर की कहानी जान लो। देखो, कुछ टाइम पहले आपको पता है कि लास्ट ईयर 2019 में अगस्त में, 5 अगस्त को, जो हमारे पार्लियामेंट थे, उन्होंने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया था। तो उसके साथ साथ आर्टिकल 35A जो था वो भी एब्रोगेट हो गया था। अब डोमिसाइल का जो रूल्स है ना, उनको भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ी। डोमिसाइल होता क्या है? देखो, जैसे मैं जिस एरिया का रहने वाला हूँ ना, मेरे यहाँ का एक सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल बनता है, तो मुझसे, मेरे पास एक आइडेंटिटी बन जाती है, प्रूफ बन जाती है कि मैं इस लोकेशन पर रहता हूँ। आधार कार्ड के अंदर दूसरी आइडेंटिटी होती है कि मेरा नाम पता क्या है क्या वो, लेकिन जब मेरा डोमिसाइल होता है तो वो एक सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होता है कि भैया मैं इसी जगह का रहने वाला हूँ, एक अथॉरिटी ने मुझे ये पर्टिकुलर एरिया असाइन कर दिया, गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने। उसी के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, जम्मू कश्मीर के जो डोमिसाइल रूल थे उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सेंटर ने रीडिफाइन किए हैं जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल रूल्स, उसमें कुछ कैटेगरीज जॉब्स वगैरह की हैं जो उस रीजन के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए कुछ चेंजेस किए हैं। ये जो ऑर्डर है इसको डिफाइन किया गया है JNK के सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट के अंदर। डोमिसाइल क्या होता है? इन लॉ के कानून के मुताबिक, डोमिसाइल इज़ द स्टेटस और द एट्रीब्यूशन ऑफ बींग लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट इन अ पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन। आप एक लोकेशन के परमानेंट रहने वाले हैं, इस बात का एक स्टेटस होता है, एक एट्रीब्यूशन होता है, आप जब उस जगह के परमानेंट रेजिडेंट हैं। अब चेंजेस क्या हुए हैं डोमिसाइल के अंदर? एनीवन हु हैज़ रेजाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स इन द UT ऑफ JNK, जो भी इंसान ये जो जम्मू एंड कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है उसमें 15 साल से रहा है वो, और उसने वहाँ पढ़ाई की है 7 साल तक, जिस 7 साल की पढ़ाई के अंदर उसकी 10th या फिर 12वीं कोई भी एक उसके एग्ज़ाम जो थे वो वहाँ के ही किसी एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में हुए हों, या फिर वो रजिस्टर्ड है एज माइग्रेंट और उनके बच्चे भी, और वो बच्चे जिनके पेरेंट्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं या फिर ऑल इंडिया सर्विस है, पब्लिक सेक्टर वगैरह में है, और जो सर्व कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में 10 साल के लिए, और चिल्ड्रन ऑफ रेजिडेंट्स JNK जो कि यूनियन टेरिटरी के बाहर काम कर रहे हैं लेकिन उनके जो पेरेंट्स वगैरह हैं वो इनमें से ऊपर वाली कोई भी कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं, उनके लिए डोमिसाइल के रूल चेंज होंगे। ऑर्डर क्या कहता है? ऑर्डर ये कहता है कि भैया जो डोमिसाइल के जो, देखो, लेवल 4 की जो जॉब्स होती है ना, जो जनरली हम अगर बात करते हैं तो जैसे गार्डनर हो गया, बारबर हो गया, ऑफिस पियोन, वाटरमैन वगैरह, ये सब के सब जो है ना, ये फिक्स कर दी गई हैं कि ये वाली जॉब जो है ना सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिनके पास JNK का डोमिसाइल है। ये फिक्स कर दिया गया है लेवल 4 के अंदर, ये बता दिया। अब डोमिसाइल को इशू कौन करता है? ये जो ऑर्डर होता है ना, एम्पावर करता है तहसीलदार। देखो, तहसील बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट को, तो हर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का तहसील का एक तहसीलदार होता है, उसकी सिग्नेटरी से डोमिसाइल बनता है। गवर्नमेंट हैज़ बीन एम्पावर्ड टू नोटिफाई एनी अदर ऑफिशियल, किसी और ऑफिसर को भी नॉमिनेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन से, अगर तहसीलदार अवेलेबल नहीं तो गवर्नमेंट ऑथराइज कर सकती है किसी भी इंसान को। इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं? दी ऑर्डर नाउ फॉर्मली अलाउज पीपल फ्रॉम JNK टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन UT। अब इस ऑर्डर के मुताबिक बाहर के लोग जो हैं वो यूनियन टेरिटरी जो है JNK की, उसमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लेवल 4 की जो जॉब्स हैं वो रिजर्व कर दी गई हैं सिर्फ जिनके पास डोमिसाइल स्टेटस है, और जो गैजेटिज और नॉन गैजेटिज दो गैजेटाइज जो जॉब्स हैं उसके ऊपर की जो जॉब्स हैं वो आप या तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो या कहीं बाहर के रहने वाले हो, सबके लिए ओपन है। बैकग्राउंड हमारा वही है, हम लोगों ने लास्ट ईयर पार्लियामेंट में इसका मैप रीड्रॉ किया था, जम्मू एंड कश्मीर का, लद्दाख को हमने एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया था, जम्मू कश्मीर को स्टेट से डीमोट करके हम लोगों ने यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया था। अच्छा, यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे इंडिया के अंदर करंटली 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब देखो, अगर 29 स्टेट्स थे पहले तो एक तो स्टेट कम कर दिया, लेकिन उसमें से 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी, तो 7 तो पहले ही थी, 7+2 9 बनना चाहिए था, नहीं, लेकिन उसके अंदर जो पहले जो 2 थे ना उसमें दादर एंड नागर हवेली प्लस दमन एंड दीव दोनों को मिक्स कर दिया है, तो यानी कि वो 1 बन गई है, तो टोटल हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ऑलराइट,
नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होता है कि कोविड 19 का जो पैंडमिक चल रहा है उस टाइम पे गवर्नर का जो रूल है बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट का आसाम के अंदर, वहाँ पे गवर्नमेंट की पावर क्या होती है हम इसके बारे में जानेंगे। जो स्टेट गवर्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है बीटीएडी के। बीटीएडी क्या है? बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट असम के अंदर, जो कि फॉल करता है सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिक्स शेड्यूल क्या है ये भी हम अभी जानेंगे। और इसको एडमिनिस्टर करती है एक बॉडी जिसका नाम है बीटीसी, बॉर्डरलैंड ट्राइबेरियल टेरिटोरियल काउंसिल। इसके भी इलेक्शंस होने थे जो कि कोविड-19 के कारण नहीं हो पाए, तो उसी को लेकर ही न्यूज़ है। तो पहले हम थोड़ा सा असम के बारे में जान लेते हैं। मैंने पहले भी न्यूज़ में देखा था 26 जनवरी 1915 को स्टेट बना था। कैपिटल दिसपुर है, गुवाहाटी हाईएस्ट सिटी है, बिगेस्ट सिटी है। 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। सर्बानंद सोनोवाल जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। 126 का लेजिस्लेचर है, 7 इन राज्यसभा, 14 इन लोकसभा। गुवाहाटी हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के बारे में अगर बात आई है तो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 214 से 231 तक आते हैं। 24 हाई कोर्ट्स हैं, नियम है टोटल 21 प्लस 3 कॉमन बिग हाई कोर्ट्स। और रिट जो है हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंडर रिट पास कर सकते हैं। जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत ये डिसाइड किया गया था कि एक से ज़्यादा स्टेट्स के लिए, टू स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। ये उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डिस्कस किया गया था। ओके, और अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं सिक्स शेड्यूल होता क्या है। आर्टिकल 244 के अंदर आता है ये चार स्टेट्स के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिक्स शेड्यूल डिफाइन किया गया है। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 244 में डिफाइन किया गया है इन चार स्टेट्स के लिए, इनके जो ट्राइबल एरियाज हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पे कैसे काम किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 1949 में पास किया था और एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया था, एक बॉडी बनाई थी जो कि इन एरियाज़ के अंदर ऑटोनोमी भी प्रोवाइड कर सकती है, यानी कि इन एरियाज़ को पूरी छूट होती है अपने अंदर चेंजेस करने की। वो हम देखेंगे कि गवर्नर को कितनी छूट मिलती है उस सब। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एरिया को स्मॉल इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं नेम ऑटोनोमस रीजन्स का विदाउट एनी सेपरेट लेजिस्लेशन। ये सब पावर गवर्नर को मिलती है इन चार एरियाज में। इसका बैकग्राउंड क्या था, इलेक्शंस होने थे बीटीसी के अंदर अप्रैल 4 को, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से वो चेंज हो गए हैं, क्योंकि करंट काउंसिल का जो टाइम है वो 27 अप्रैल को एक्सपायर हो जाएगा। और सिक्स शेड्यूल के अंदर ये बनाया गया था, हमने इन चार स्टेट्स के लिए बनाया था, इनके और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो जाती है इसकी स्टेट के ऊपर। बेसिकली इसमें गवर्नर की पावर ज़्यादा बढ़ जाती है ट्रिब्यूनल ट्राइबल एरियाज़ के ऊपर। गवर्नर क्या क्या कर सकता है, एरिया इंक्लूड कर सकता है, एक्सक्लूड कर सकता है, नया डिस्ट्रिक्ट बना सकता है, डिस्ट्रिक्ट की ऑटोनॉमी इंक्रीज कर सकता है, उसका एरिया कम कर सकता है, नाम चेंज कर सकता है, बाउंड्रीज डिफाइन रीडिफाइन कर सकता है। ये सब पावर गवर्नर के पास आ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल क्या होते हैं, वो बोलते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होना चाहिए ईच ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिसमें 30 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और इसमें से 4% जो है वो गवर्नर नॉमिनेट करेगा, बाकी सारे इलेक्ट किए जाएंगे एडल्ट सफरेज के थ्रू, यानी कि इलेक्शन के थ्रू। फिर उन्होंने कहा कि एक सेपरेट रीजनल काउंसिल होना चाहिए हर एक एरिया का, ऑटोनोमस रीजन का, और ईच डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर एक रीजनल काउंसिल ऐसी बॉडी होनी चाहिए जिसको बॉडी कॉरपोरेट बाय द नेम रेस्पेक्टली ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, ये होनी चाहिए वहाँ पर। इसी के रिगार्डिंग एक अमेंडमेंट चल रहा है अभी 125, यानी कि बिल जो है ये पार्लियामेंट में है करंटली। अगर हम इंडिया की बात करें तो 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हो चुके हैं इंडिया में। और 101 आपको पता ही होगा जीएसटी का था, ये वाला एक अमेंडमेंट है जो पार्लियामेंट में रखा गया है। ये करता क्या है, ये इंक्रीज़ करता है फाइनेंशियल और एग्जीक्यूटिव पावर 10 ऑटोनोमस काउंसिल्स की सिक्स शेड्यूल के अंदर। और ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये ईच विलेज काउंसिल के लिए होते हैं, इसमें पावर मिलती है इन सब विलेज काउंसिल को ताकि ये लैंड रिफॉर्म्स को ला सकें, इरीगेशन वाटर मैनेजमेंट कर सकें। फाइनेंस कमीशन इनके सारे के सारे फाइनेंस रिसोर्सेज के ऊपर ध्यान देता है
और फाइनेंस के अंदर ये भी करता है कि सेंट्रल मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट को स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। ये सब अभी प्रपोजल में है, ये भी फाइनल नहीं हुआ है अमेंडमेंट, लेकिन आपको पता होना चाहिए। रिजर्वेशंस क्या होंगी, 1/3 जो है वो वुमेन के लिए होंगी विलेज म्यूनसिपल्स के अंदर इन स्टेट्स में, असम मिजोरम और त्रिपुरा में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ऊपर की कहानी सुनो पहले। तो देखो, जब भी कोई इंसान कोर्ट वगैरह में जाता है तो अपने लिए एक लॉयर को हायर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लॉयर को फ़ीस देनी पड़ती है, एक डेफिनेट सी बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं अफोर्ड नहीं कर पाते लॉयर को फ़ीस वगैरह देने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कुछ कमिटीज़ वगैरह बनाती है, अथॉरिटीज़ बनाती है, जिससे कि गवर्नमेंट लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं, बेसहारा लोग होते हैं, उनको फ्री में लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट अपनी थ्रू तरफ से लॉयर्स वगैरह उनको प्रोवाइड करती है, ताकि उनके केस की भी सुनवाई तरीके से हो सके, उनके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब नालसा क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। जो नालसा है, इन्होंने कहा है कि तकरीबन 11,000 लोग जो अंडर ट्रायल थे ना, उनको इन्होंने प्रिजन से रिलीज़ कर दिया है, क्योंकि ये जो कोविड-19 पैंडेमिक है, इसके कारण भाई जेल के अंदर लोग रहेंगे तो फैलने का, वो केस फैलने का बहुत खतरा होता है, और ये अंडर ट्रायल थे सारे के सारे, ठीक है ना। ये कन्विक्ट नहीं थे, इनके ऊपर कोई चार्ज लगा नहीं था, अंडर ट्रायल थे सारे के सारे। तो 11,000 के आसपास कुछ ऐसे लोग थे। अब जैसे छोटी मोटी बातें हो गई, किसी ने कोई छोटी सी चोरी कर ली, किसी ने कोई छोटा मोटा किसी को धमका दिया, किसी के आसपास सड़क पे दो लोग लड़ रहे थे, उन लोगों को पकड़ के पुलिस ने अंदर डाल देती, ऐसे छोटे छोटे जो केसेस होते हैं ना, कोई पॉकेट मार वाला केस होता है, इन सबको अंडर ट्रायल पे रखा हुआ था। उन 11,000 के आसपास इतने लोगों को छोड़ दिया। नालसा क्या होता है, नालसा को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट होता है 1987 का। ये फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं वीकर सेक्शंस को। इनका एम होता है कि ये सारी अपॉर्चुनिटी और सिक्योर करे जस्टिस उन लोगों के लिए, जिन लोगों को, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी हैची है नहीं। न्यायदीप जो है ऑफिशियल न्यूज़लेटर होता है नालसा का। न्यूज़लेटर आपको पता होना चाहिए, मंथली एक रिपोर्ट के तरीके से होता है। अब नालसा के कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं इंडिया के, वो इसके पैटर्न इन चीफ होते हैं, जो कि सेक्शन 3(2) के अंदर आते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के। और जो सेकेंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं, वो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या है नालसा की, ऑर्गेनाइज करते हैं लोक अदालत फॉर एमिकेबल सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट होता है आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ द मार्जिनलाइज्ड एंड एक्सक्लूडेड ग्रुप्स। कैटेगरीज बना लेते हैं ग्रुप्स की, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कौन से हैं, ट्राइबल कौन से हो गए, स्केड्यूल्ड कौन से हो गए, इन सब की बना लेना, ताकि उनके अकॉर्डिंग जो फॉर्मुलेट करते हैं बहुत सारी स्कीम्स और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रिवेंटिव एंड स्ट्रेटेजिक लीगल सर्विस प्रोग्राम प्रोग्राम बनाते हैं, ताकि कुछ मार्जिनलाइज लोगों के लिए कुछ टाइप के प्रोग्राम होंगे, ठीक है, कुछ लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, उनके लिए अलग टाइप के प्रोग्राम होते हैं। ये सारे फंक्शन किसको होते हैं, नालसा के। प्रोवाइड करता है फ्री लीगल इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर, भाई लड़ाई का अगर मुद्दा है तो सिविल मैटर आ गया, मर्डर का मुद्दा है तो क्रिमिनल मैटर आ गया। ऐसे के अंदर गरीब लोगों को, मार्जिनलाइज लोगों को, जिनके पास पैसा नहीं होता कि वो एक ट्रिब्यूनल में या फिर कोर्ट में जाकर लॉयर को अफोर्ड कर सके। अब ऐसे ही एक स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी होती है अथॉरिटी। हर स्टेट के अंदर स्टेट लेवल लीगल अथॉरिटी हो, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है SLSA। तो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है ताकि ये वहाँ की जो पॉलिसीज वगैरह है और जो डायरेक्शन होती है नालसा की, वो सारी की सारी स्टेट लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सके। स्टेट लीगल अथॉरिटी को हेड करते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस, उस भी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के, और जो कि पैटर्न चीफ होते हैं उसी स्टेट की सीगल स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की। जैसे हमारे प्रेसिडेंट होते हैं पार्लियामेंट के लिए, गवर्नर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, कुछ वैसा सही, सिंपल सम काइंड ऑफ वैसा सही है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, जिसके अंदर वही जो इम्प्लीमेंट करती है लीगल सर्विसेज के प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। मतलब लेयर्स बने हुए हैं, जैसे जो जुडिशरी के लेयर होते हैं ना, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही इसके नालसा वाले हैं। ऊपर भी पड़ा अपना नालसा है, उसके अंदर स्टेट लेवल भी है, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल भी है। अब इसकी नीड क्या थी, जस्ट अ सेकेंड, जो आर्टिकल 39A है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड करता है कि स्टेट सिक्योर करेगा लीगल सिस्टम के ऑपरेशन को और प्रमोट करेगा जस्टिस को। किसकी बेसिस के ऊपर, इक्वल अपॉर्चुनिटी के ऊपर, और फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगा सूटेबल लेजिस्लेशन, यानी कि प्रॉपर कानून के तरीके से हो या फिर स्कीम जो बनी हुई है उसके तरीके से, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि सिटीज़न कोई ऐसे ना हो जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, जो डिसेबल है, उनको प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल रहा है, वो सब कुछ जस्टिस सिक्योर करना है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 22 क्लॉज 1 क्या बोलता है, इट मेक्स इट ऑब्लिगेटरी, मतलब कंपलसरी बनाता है स्टेट के लिए कि वो इंश्योर करे इक्वलिटी बिफोर द लॉ,
कानून के सामने सब बराबर हैं, और जो लीगल सिस्टम है वो प्रमोट करे जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, यानी कि किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अमीर है गरीब है तो इसको जस्टिस हेल्प जस्टिस लीगल एड मिली है नहीं मिली है। तो ये आर्टिकल 14 और 22 क्लॉज 1 के अंदर मेंशन है कि सबको मिलना चाहिए, कोई भी ऐसा ना हो जो कि गरीब हो, डाउनट्रोडन हो, वीकर सेक्शन हो, सबको मिलना चाहिए। ये था हमारा ये टॉपिक। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। नो 100% कोटा फॉर ट्राइबल टीचर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा है कि किसी भी ट्राइबल एरिया के अंदर, स्कूल के अंदर, स्केड्यूल्ड एरिया के अंदर ट्राइबल टीचर्स को ही 100% रिजर्वेशन देना अनकॉन्स्टिट्यूशन होगा। कहानी क्या है, ये एक मुद्दा था जिसमें आंध्र प्रदेश की बात है, तो उन्होंने कहा था कि भाई जो स्केड्यूल्ड एरिया के जो स्कूल्स होते हैं उनके अंदर रिजर्वेशन दे दो टीचर्स को, जो भी स्केड्यूल ट्राइब के टीचर्स हैं ना सिर्फ वही उसमें पढ़ाएंगे, क्योंकि वो लोग उन्होंने कहा कि रीज़न दिया कि ये लोग अच्छा कनेक्ट करते हैं, ये इनकी प्रॉब्लम को ढंग से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवररूल कर दिया और बोला कि किसी को भी 100% रिजर्वेशन हम नहीं दे सकते, हमारे कानून के मुताबिक सिर्फ 50% तक मैक्सिमम दिया जा सकता है, क्योंकि अगर आप स्केड्यूल ट्राइबल टीचर्स को ही सारा का सारा दे दोगे तो फिर स्केड्यूल कास्ट वाले टीचर होंगे उनके लिए अपॉर्चुनिटी छिन गई, जनरल वाले के लिए अपॉर्चुनिटी छिन गई, ये सब कारण है। इशू क्या था, ये केस है कुछ जनवरी 10, 2000 का, जब स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की जो बेंच थी उन्होंने 100% रिजर्वेशन दिया था स्केड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स को, और जिस उस 100% में से 33% यानी कि 1/3 दे दिया था वही स्केड्यूल ट्राइब की विमेन को टीचर की पोस्ट के लिए, जो भी स्कूल से स्केड्यूल ले जाके स्टेट के अंदर। अब कोर्ट ने क्या बोला है, कोर्ट ने बोला है कि भैया देखो 100% रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि 50% की लिमिट है कब, इंदिरा सहानी केस है जो 1992 का उसके अकॉर्डिंग, और ये जो सिटीजन्स हैं इनके पास इक्वल राइट होता है टोटल एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स की, क्रिएट करें अपॉर्चुनिटी फॉर वन क्लास इज नॉट कंटेम्पलेटेड बाय द इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन। दोबारा पढ़ो, सिटीजन्स हैव इक्वल राइट्स एंड द टोटल एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स बाय क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर वन क्लास इज नॉट कंटेम्पलेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक के पास इतना अधिकार है कि वो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे, लेकिन किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को हिंडर करना, रोक देना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप स्केड्यूल ट्राइब के लिए 100% दे दोगे तो बाकी लोगों की तो अपॉर्चुनिटी रुक गई ना, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही कंटेम्पलेट नहीं करता। इसके कारण जो SC और OBC है ना उनको इसमें रिप्रेजेंटेशन मिल ही नहीं पाती है कि वो डिप्राइव हो जाते हैं। द अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के नॉट बी डिनाइड अनजस्टली टू द इनकम्बेंट्स एंड इज नॉट द प्रेरोगेटिव ऑफ अ फ्यू। ये लाइन को नोट डाउन कर लो यार, ये मेंस के आंसर में बड़ी खूबसूरत लाइन है, प्योर प्रॉपर एकदम लॉ वाली लाइन है। कहने का मतलब यही है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप किसी को भी अनजस्टली सेटल नहीं कर सकते। इनकम्बेंट्स मतलब वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, कुछ लोगों की इंपॉर्टेंस के लिए आप 100% रिजर्वेशन नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ के आसपास के और भी ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़रूरत पड़ सकती है। विच राइट्स आर इफेक्टेड, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड परस्यूट ऑफ चॉइस, क्योंकि आर्टिकल 51 वे के अंदर आया था, कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ अनजस्टली एंड आर्बिट्रेरीली। आर्बिट्रेरीली का मतलब होता है अपनी मनमानी से। इट इज़ आर्बिट्रेरी एंड वॉयलेटी ऑफ द प्रोविजन, आर्टिकल 14 को वॉयलेट कर रहा है, ऑब्वियसली बात है उसमें होता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 15 क्लॉज 1 डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सिटीजन्स का, सही बात है आप सिर्फ ट्राइबल को दे रहे हो तो बाकी सबको आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। 16 के अंदर वो इक्वल अपॉर्चुनिटी आ गया, 14 में था इक्वल बिफोर लो। इट ऑल्सो इम्पिंज अपॉन द राइट ऑफ ओपन कैटेगरी बिकॉज ओनली एसटीज विल फॉल इन द वीकेंड पोस्ट लिविंग एससीज एंड ओबीसीज फॉर बिहाइंड। बात तो सही है, इसमें अगर आप सिर्फ स्केड्यूल ट्राइब को ही दे दोगे तो स्केड्यूल कास्ट वालों को तो मौका मिला ही नहीं, ओबीसी वालों को तो मौका मिला ही नहीं अपनी रिप्रेजेंटेशन देने का। तो ये है इस न्यूज़ के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 164(4) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मुद्दा क्या है, देखो महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, उनकी जो सीएम की जो सीट है ना वो सिर्फ 24 मई तक है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें 6 मंथ्स होने वाले हैं। किस चीज़ को 6 मंथ्स होने वाले हैं ये देखना है। देखो उन्होंने ओथ ली थी 28 नवंबर को, ठीक है, लेकिन उस टाइम जब वो चुन के आए थे तो वो किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं थे, यानी कि ही वाज नॉट एन MLA, नीदर ही वाज MLC, ना ही मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, ना ही मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थे। लेकिन आर्टिकल 164(4) क्या बोलता है कि आपको किसी न किसी हाउस का मेंबर होना है, अगर आप नहीं हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स तक CM बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आपको 6 मंथ्स के बाद भी कंटिन्यू करना है तो उसके लिए हम बाई इलेक्शंस करते हैं कंडक्ट। बाई इलेक्शंस किस चीज़ के लिए किए जाते हैं, बाई इलेक्शंस होते हैं MPs के लिए, MLA के लिए, MLCs के लिए।
लेकिन राज्यसभा ने क्या किया है कि राज्यसभा ने बाई इलेक्शंस पोस्टपोन कर दिए, क्यों? बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो अब ये ज़्यादा सीएम, उसके बाद सीएम रह नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ने यही बोला है आर्टिकल 164 में कि अगर आप नॉन लेजिस्लेटर हो तो आप 6 मंथ्स तक रह सकते हो। तो ऑल्टरनेटिव क्या होता है भाई, 6 मंथ्स के बाद भी अगर इनको सीएम रहना है तो ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव ये होता है कि आर्टिकल 171 के अकॉर्डिंग गवर्नर जो है ना वो नॉमिनेट कर सकता है किसी भी इंसान को। जैसे हमारे राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, वो आर्टिकल 80 पार्ट 3 में आता है, 80 पार्ट 3 में आता है राज्यसभा का। उसी तरीके से आर्टिकल 171 के हिसाब से गवर्नर जो हैं इन फील्ड में एक बंदे को नॉमिनेट कर सकते हैं, किसी पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है देखो, राज्यसभा में और ये स्टेट लेवल के ऊपर, ये जो है ना कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये एडिशनल फैक्टर मिलता है स्टेट लेजिस्लेचर को, ये उनके पास नहीं होता, राज्यसभा के पास नहीं होता। राज्यसभा में होता है लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस। इसका मैंने आपको एक राज्यसभा के लिए शॉर्टकट पहले भी बताया था, दोबारा बताता हूँ, CLASS जो नॉमिनेट का, इसमें क्लास में LASS को याद रखो, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल साइंस, सी को भूल जाओ। 12 मेंबर्स होते हैं। तो उद्धव ठाकरे जी हैं, ये इस तरीके से मेंबर बन सकते हैं अगर इनको अपनी चेयरमैनशिप को कंटिन्यू रखना है आगे। लेकिन उद्धव ठाकरे जी है ना वो किसी भी फील्ड के इनमें से ना किसी भी फिट नहीं होते, लेकिन हम कह रहे हैं कि सोशल सर्विस का जो एक स्कोप है ना वो वाइडर होता है, तो मे बी वो इसमें फिट हो जाए। अभी डिपेंड करता है गवर्नर के ऊपर कि वो इनको इलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव काउंसिल में ना 2 लोगों की सीट खाली है, जो कि बेसिकली NCP के थे, उन्होंने वही सीट छोड़ के वो BJP की साइड ज्वाइन हो गए थे। तो ये 2 सीट के ऊपर क्या अगर गवर्नर इनको सेलेक्ट कर देते हैं नहीं करते, ये डिपेंड करेगा। अब प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? प्रॉब्लम ये है कि जो सेक्शन 151A है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो गवर्नर के ऊपर एक बार लगा रहता है डिस्क्रिशनरी पावर का, कि भाई गवर्नर के ऊपर कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है नॉमिनेट करने की। नॉमिनेट करने की जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव पावर है, और जो कि किससे होनी चाहिए, कैबिनेट मेंबर्स की एडवाइस से बाउंडेड है। तो अभी कैबिनेट मेंबर्स कौन कौन है? कैबिनेट मेंबर्स वही हैं सारे जो सीएम के लोग हैं, ये उद्धव ठाकरे और एनसीपी वाले। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव से जाओ चाहे डिस्क्रिशनरी से जाओ, ये दोनों साइड से ही गवर्नर के ऊपर एक काइंड ऑफ बाउंडिंग ही हो गया है। और दूसरी चीज़ ये भी बोलता है कि जो एम्प्टी सीट है ना, जो वैकेंट सीट है, उसके ऊपर जो मेंबर था उसका टर्म चेक किया जाता है, उसका टर्म कितना रिमेनिंग है। तो जो हमारे जो मेंबर्स गए हैं उनकी जो सीट का, उसका जो टर्म है वो लेस देन 1 ईयर रिमेनिंग है। तो अगर लेस देन 1 ईयर रिमेनिंग होता है ना, फिर उसके ऊपर आप किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकते हो। देखो, इट सेज इलेक्शन और नॉमिनेशन टू वैकेंट सीट्स इन द लेजिस्लेटिंग काउंसिल कैन नॉट बी डन इफ द रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ ए मेंबर इन रिलेशन टू वैकेंट सीट इज लेस देन 1 ईयर। तो जो सीट का जो वो था ना टर्म, वो भी जून में ख़त्म होने वाला था। तो इसलिए ये जो हैं उद्धव ठाकरे जी जो हैं, ये नॉमिनेशन सीट के ऊपर भी नहीं जा सकते। तो अब आगे कैसे बात बनेगी, अब व्हाट नेक्स्ट? देखो, तो उद्धव ठाकरे जी जो हैं वो सीएम कब तक रह सकते हैं? 28 मई तक। टेक्निकली इसके बाद जो ये हैं इनको रिज़ाइन करना पड़ेगा और दोबारा से ओथ लेनी पड़ेगी, क्योंकि इनके पास MLAs हैं, तो ये लोग दोबारा से अपनी गवर्नमेंट में आ सकते हैं। बट स्टिल ही इज़ नॉट द पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तो दोबारा ये 6 मंथ्स के लिए रहेंगे। फिर इनको किसी ना किसी स्टेट लेजिस्लेटर का पार्ट बनना पड़ेगा, उसके लिए बाईपोल्स कराने पड़ेंगे। लेकिन COVID-19 के अकॉर्डिंग कुछ पता नहीं है बाईपोल्स हो पाएंगे नहीं। तो ऐसा ही एक केस पंजाब में भी हुआ था, जहाँ पर तेज प्रकाश सिंह जी थे, वो 6 मंथ्स के बाद दोबारा से सीएम बन गए थे। लेकिन इसी चीज़ को ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये बहुत इम्प्रॉपर, अनडेमोक्रेटिक और इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आप स्टेट लेजिस्लेटर का पार्ट नहीं हो, आप 6 महीने के लिए सीएम बनते हो, फिर आप रिज़ाइन करते हो, फिर आप दोबारा से ओथ ले लेते हो। ये बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट है। हालांकि इस जजमेंट का तेज प्रकाश सिंह के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं आया था, लेकिन सेम चीज़ को। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट। तो ये है क्या, जम्मू और कश्मीर, और जम्मू कश्मीर का स्टेट तो रहा ही नहीं, अब यूनियन टेरिटरी बना दिया है, वो 12th स्टेट है। देखो, उन्होंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ यूनियन टेरिटरी लिखा है, यहाँ स्टेट लिख दिया, लिखा ही गलत हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी हैज़ बिकम द 12th स्टेट, 12th टेरिटरी लिख सकते थे, वेयर द प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट PMRU को सेटअप किया है। किसने सेटअप किया है? NPPA ने। NPPA क्या होता है? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। फार्मास्यूटिकल का मतलब सिंपल हो गया कि कहीं ना कहीं उनसे मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड है। वर्ड्स को कैच किया करूँ,
वेयर एल्स एन पी पी ए सेटअप पी एम आर यू? एन पी पी ए ने कहाँ कहाँ पी एम आर यू सेटअप किया हुआ है? केरला, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, नागालैंड, त्रिपुरा, यूपी, आंध्र प्रदेश, मिजोरम। प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है इससे। प्राइस मॉनिटरिंग और रिसोर्स यूनिट होता क्या है? देखो, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी होती है जो कि फंक्शन करती है डायरेक्ट कंट्रोल के और सुपरविजन के अंदर किसके, जो स्टेट का ड्रग कंट्रोलर होता है ना, हर एक रेस्पेक्टिव स्टेट्स का, उसके अंडर कंट्रोल करती है। इसको फंड कौन करता है? एनपीए करता है। एनपीए क्या है? हमारा नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। फंक्शन क्या होते हैं इसके? ये हेल्प करता है एनपीए को, एनपीपीए को और स्टेट ड्रग कंट्रोलर को कि इंश्योर करे कि सभी मेडिसिन वगैरह जो हैं वो अवेलेबल हैं, एक्सेसिबल हैं और अफोर्डेबल हैं। अवेलेबल मतलब मौजूद हैं, एक्सेसिबल मतलब सबकी पहुंच में है, अफोर्डेबल मतलब सब खरीद सकते हैं। ऑर्गेनाइज करता है सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम, बाकी इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन की, कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज़ उस एरिया के अंदर, ताकि वहाँ के लोगों को पता चले कि ये मेडिसिन अवेलेबल हैं, अफोर्डेबल हैं सबके लिए। कलेक्ट करता है सैंपल मेडिसिन के और कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है डेटा को, जैसे रिपोर्ट्स वगैरह बनाता है, ताकि जो जो भी अवेलेबल मेडिसिन है जिनका ओवर प्राइसिंग चल रहा है उन सब के ऊपर एक्शन ले सके। कौन? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंडर कौन लेगा? ये जो स्टेट का जो ड्रग कंट्रोलर होता है वो। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग चलते हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बात की जा रही है यहाँ पर। जो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है, उन्होंने फाइनल नोट दे दिया है मुंबई नागपुर हाईवे को एमिड लॉकडाउन। नोट का मतलब हामी भर देना। तो मुंबई नागपुर का एक हाईवे था तो उसको लॉकडाउन में बनाने की परमिशन दे दी है। अप्रूवल कैसे दिया गया था? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। बैकग्राउंड ये, 701 किलोमीटर का हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। ओ भाई साहब क्या नाम है, इतना बड़ा जो रोड है ये। ये कनेक्ट करता है मुंबई और नागपुर को, कवर करता है 10 डिस्ट्रिक्ट, 26 तालुका, 392 विलेज। इसको रिड्यूस करके जो इसका एग्जिस्टिंग ट्रैवल टाइम है 15 घंटे से, उसको 8 घंटे कर दिया। 15 घंटे का ट्रैवल टाइम था, 8 घंटे कर दिया गया। ये प्रोजेक्ट है, इसमें रिक्वायरमेंट है कि हम लोग तकरीबन 100,000 ट्रीज को काटा जाए और एक 10 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन है जो कि काटेपूर्णा और करंजा सोहाल ब्लैक बक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देखो अब ये न्यूज़ में आ गई ना, ये वाली सेंचुरी, तो प्रीलिम्स में का क्वेश्चन बनने के चांस हैं। टुवर्ड्स द वन एंड ऑफ द स्टेट वाइल कटिंग थ्रू द इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन ऑफ तनसा लेक सेंचुरी क्लोजर टू मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। ये वाली फिर नागपुर की साइड होगी और ये वाली जो है मुंबई की साइड होगी, तो इन दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए। ये जो प्रोजेक्ट है इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन के अंदर आ रहा है, एनवायरनमेंट का पार्ट बनेगा ये क्वेश्चन। अब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है हमारा, वो क्या है? एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है ये। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये भैया कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखी हुई नहीं थी, इसको बाद में हम लोगों ने लॉ बना के पार्लियामेंट में तब बनाया। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है 1972, इंडिया का मोस्ट पॉपुलर एक्ट मेरे हिसाब से, तो क्योंकि आए दिन एनवायरनमेंट की जब बात होती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ जाता है। ओके, इसके रोल और फंक्शन क्या क्या है? देखो, इसका एक एडवाइजरी रोल है नेचर के अंदर, एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए, ऐसे मेजर्स बनाए ताकि हम अपनी वाइल्ड लाइफ को कंट्री के अंदर कंजर्व करके रख सकें। प्राइमरी फंक्शन बोर्ड का, ये प्रमोट करता है कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट दोनों। इसके पास पावर है कि ये रिव्यू करे सारे के सारे जो वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड मैटर्स होते हैं ना, और प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे सकता है ये जो भी नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज के अराउंड होते हैं। नो ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज इन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैन बी डन विदाउट द अप्रूवल ऑफ NBWL, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। इनकी परमिशन के बिना आप किसी भी वाइल्ड लाइफ के, नेशनल पार्क, सेंचुरी, इन सब की कोई भी बाउंड्री वगैरह चेंज नहीं कर सकते हो, इनकी परमिशन चाहिए होगी। कंपोजिशन क्या होता है? इसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी, 47 मेंबर्स होते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। इनके अंदर 19 मेंबर्स होते हैं एक्स ऑफिशियल मेंबर्स। एक्स ऑफिशियल मेंबर्स क्या होते हैं? जैसे वाइस प्रेसिडेंट जी हमारे, वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है, यानी कि उनका मेन काम तो वाइस प्रेसिडेंट का है लेकिन उनको एक एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। तो 19 ऐसे ऑफिसर होंगे जिनका कोई और काम रहा होगा डिपार्टमेंट में, बेसिकली IAS ऑफिसर वगैरह होंगे, या फिर वो जो हमारे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं वो होंगे मेरे हिसाब से। तो उनका मेजर काम कुछ और है लेकिन उन लोगों को NBWL का पार्ट भी बनाया हुआ है। जो बाकी मेंबर्स होते हैं उसमें 3 मेंबर पार्लियामेंट के होते हैं, 2 लोकसभा से, 1 राज्यसभा से, 5 NGO होते हैं, 10 एमिनेंट इकोलॉजिस्ट होते हैं, कंजर्वेशनिस्ट होते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं। दैट्स इट। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। चीफ विजिलेंस कमिश्नर क्या होते हैं भैया, ये जान लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, ये एक एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन होता है जिसको क्रिएट किया गया था एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा, जो कि बेस्ड है किसके रिकमेंडेशन पे? संथम कमेटी 1964। कमेटी का नाम पता होना चाहिए भैया किसके, और CBC तो वैसे भी विजिलेंस का है तो आएगा ही कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ घूम फिर के आएगा।
वट कन्फर्ड विद द स्टैचुएटरी स्टेटस इन 2003। स्टैचुएटरी का मतलब फिर से आ गया, यानी कि लॉ पास करके बनाया गया। ये अपनी रिपोर्ट जो सारी की सारी प्रेसिडेंट को देता है। इस कमीशन को सेटअप किया गया था किसकी रिकमेंडेशन में, के संतान कमेटी थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की, यानी कि करप्शन को रोकने के लिए एक रिकमेंडेशन आई थी इस कमेटी की कि भाई एक ऐसा कमीशन बनाया जाए। कंपोजिशन में क्या होता है, इसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है और दो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है, दो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। रिकमेंडेशन होती है कमेटी की जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, ऑपोजिशन के लीडर होते हैं लोकसभा के। देर इज नो लीडर ऑफ ऑपोजिशन देन द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। देखो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमारी कंट्री में 2014 से है ही नहीं, क्योंकि किसी पार्टी को ऐसी 10% सीट चाहिए होती है लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए, तो करंटली अभी तक किसी के पास है ही नहीं, ना 2014 में थी ना 2019 में। ऐसे केस के अंदर कुछ कमेटीज़ भी होती हैं, जैसे पार्लियामेंट की कुछ कमेटीज़ होती हैं उसमें भी एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई है नहीं ना, तो जो भी पार्टी होती है सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन में उसके किसी एक लीडर को चूज कर लिया जाता है। अब CVC का टर्म कितना होता है, 4 साल का होता है या फिर जब तक 65 साल के हो जाएं तब तक, जो भी पहले हो जाएगा। रिमूवल का प्रोसीजर क्या है, इनको रिमूव कर सकते हैं ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी। सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रूव कर दो कि भैया ये अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं या फिर इन्होंने बहुत कुछ मिसबिहेवियर किया है, कुछ गड़बड़ की, तभी आप इनको प्रेसिडेंट का ऑर्डर से रिमूव कर सकते हो। और ये प्रूव कहाँ करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में, ऑन अ रेफरेंस मेड टू इट बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट रेफरेंस देंगे कि हाँ ऐसा करो तब कर सकते हो। देखो ये तो है इंडिया की ब्यूरोक्रेसी के अंदर ना, किसी को रिमूव करना इतना ईजी नहीं है। बाकी आई थिंक UK की ब्यूरोक्रेसी के अंदर ईजी है रिमूव करना, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे प्रोसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, बहुत सारे लोग होते हैं बीच में, तो ब्यूरोक्रेट्स को रिमूव इतना ईजिली किया नहीं जाता। तो ब्यूरोक्रेट्स के इतने केसेस होते भी नहीं है, पॉलिटिशियंस के केसेस ज़्यादा होते हैं, उनको सबको पता ही है कि वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ओके हो ही गया ये वाला। तो अब हम आ जाते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला, पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन्स एक्ट। ये न्यूज़ में क्यों है, देखो ब्रिटिश एरा का एक लॉ था जिसको इन्वोक किया गया है पंचकुला के अंदर, ये जो लॉकडाउन का जो मूवमेंट चल रहा था उसके अंदर जो डिप्टी कमिश्नर है पंचकुला के, उन्होंने पास किया था एक ऑर्डर Section 3 इस एक्ट के अंदर। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो भी एबल्ड बॉडीज़ है ना मेल इनहेबिटेंट्स की विलेजेस की, उनको पेट्रोल ड्यूटी पे भेजा जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, देखो गाँव के अंदर आप लोगों को याद होगा कि गाँव के अंदर ना पहले क्या हुआ करता था कि जो चौकीदारी होती थी ना वो एक आदमी नहीं करता था, वो हर घर को ना बांट दी जाती थी, इससे नंबर लगा दिया जाता था कि भैया आज दिन दो घर के लोग हैं, दो लोग वो रात को चौकीदारी करेंगे। तो गांव में पूरे घूम घूम के चौकीदारी करते रहे, थोड़ा सा ऐसे शोर करते रहते थे कि लोग जागते रहें जागते रहें। उसी तरीके का वही सेम कॉन्सेप्ट लॉकडाउन के अंदर लगाया गया है पंचकुला के उस एरिया में कि भाई ऐसे कुछ लोग वगैरह हैं गाँव के, वो मिलके गाँव के जो एंट्रेंस है गेट वगैरह जो रास्ते हैं मेन वहाँ पर जाके रहें, थोड़ी सी चौकीदारी करें टाइप की, ताकि जो लोग लॉकडाउन के अंदर जो हो सकता है कि कोई COVID-19 से इन्फेक्टेड हो कोरोना वायरस से, वो एंटर ना करें। ये कहानी है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स है, नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स, वो फॉलो किए जा सके। लॉ क्या है, लॉ यही इनेक्ट किया था पहली बार 1918 में पंजाब के अंदर, टू मेक द प्रोविजन फॉर नाइटली पेट्रोल ड्यूटी बाई इनहेबिटेंट्स ऑफ स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स इन केस ऑफ इमरजेंसी। कानून इसको कानून बनाया गया था काफ़ी पहले 1918 में, इसको यूज़ किया गया था किसी इमरजेंसी के कारण गाँव वगैरह में। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, अंडर दिस एक्ट जो डिप्टी कमिश्नर होता है डिस्ट्रिक्ट का और इन पंजाब और हरियाणा, उसका ओपिनियन लिया जाता है कि किसी विलेज के अंदर कुछ स्पेशल मेजर की ज़रूरत है लेने की पब्लिक की सेफ्टी के लिए, तो उसके पास पावर होती है कि वो एक ऐसा ऑर्डर पास कर सके कि जो भी एबल्ड बॉडी अडल्ट मेल इनहेबिटेंट्स, यानी कि ऐसा नहीं कि आप किसी के ऊपर प्रेशर ही डालोगे आपको करना है, आपको लगता है कि इंसान कर सकता है कि भाई कुछ 6-7 घंटे रात को जाग सकता है, ये पूरी रात नहीं होती चौकीदारी, ये कुछ रात को जो हुआ करती पहले वाली, तो उसमें क्या रहता था कि कुछ 9-10 बजे स्टार्ट होती थी और सुबह के 3-4 बजे तक रहती थी। अभी ये रात को चौकीदारी नहीं कर रहे हैं, अभी तो ये लोग गांव के एंट्रेंस और एग्जिट्स के ऊपर चौकीदारी कर रहे हैं, बाकी कोई और गाड़ी वाड़ी, जब लॉकडाउन का मतलब है कि कोई इधर उधर नहीं आ सकता, गाँव वगैरह जो जनरली बहुत सेफ चल रहे हैं, हमारे सिटीज़ में इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो गाँव वगैरह को इनको बोला गया कि भैया आप अपने अपने गाँव के एंट्रेंस पर एग्जिट पर ऐसे एबल्ड लोगों को मेल्स को बिठा दो ताकि वो पेट्रोलिंग करे गाँव की। टाइम पीरियड उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम टाइम पीरियड इसका 1 ईयर तक का होता है कानून को चलाने का। पेनल्टी वगैरह भी बता रखी है कुछ। डिप्टी कमिश्नर के पास पावर होती है कि ऑल्टर कर दे नंबर ऑफ पर्सन कितने रिक्वायर्ड है, ऑल्टर मतलब चेंज कर सकता है कितने लोगों की ज़रूरत है, और फिर गांव के पंचायत को इन्फॉर्म कर दे। पेनल्टी और पनिशमेंट क्या होती है, जो इस प्रोविजन को फॉलो नहीं करता उनको Section 9 और 11 होता है जो एक्ट का, उसके तहत उनको एक फ़ाइन देना पड़ता है विलेज पंचायत को, और जो कि 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होता है। ऑल राइट।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। यूपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा कि 6 लोगों को उन्होंने एसोसिएट किया है जो तबलीगी जमात के थे, जिनको एक्यूज़ किया गया था मिसबिहेवियर के लिए और वुमेन स्टाफ के साथ बदतमीजी करने के लिए गाजियाबाद के हॉस्पिटल में, उनको चार्ज किया गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या होता है 1980 का? ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है कुछ महीनों के लिए, जो अथॉरिटीज़ होती है अगर उनको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ थ्रेट, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई इंसान थ्रेट है, तो उसको डिटेन कर लेंगे। वो पर्सन डज नॉट नीड टू बी चार्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ डिटेंशन। डिटेंशन के टाइम पे उसको चार्ज नहीं लगाया जाएगा, यानी कि कोई मुकदमा नहीं होगा उसके ऊपर, डिटेन कर लिया जाएगा। तो यही इस लॉ की एक क्या कहें बैड साइड कह सकते हैं, लेकिन राइट्स का कहना कहीं फेवरेबल साइड भी, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। आगे जानते हैं क्या है इसका गोल होता है, टू प्रिवेंट करें इंडिविजुअल को कि कोई क्राइम ना कमिट करते हो, यानी कि रोक देता है। ऐसे आपको किसी पे शक हो रहा होता है, अथॉरिटीज़ को सेटिस्फाई होता है कि इंसान खतरनाक हो सकता है, तो उसको एंड नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर डिटेन कर लेते हैं ताकि वो कोई क्राइम वगैरह ना करे। शक हुआ होता है, कंफर्म होना हो, वो जिनको डिटेन करना है वो सेटिस्फाइड हो सकते हैं, बेसिक उसने क्राइम किया ना हो, लेकिन आशंका हो सकती है कि कर सकता है ज़्यादा। तो इसको प्रोमलगेट किया गया था 23 सितंबर 1980 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंदर। एज़ पर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो ग्राउंड्स है प्रिवेंटिव डिटेंशन के वो क्या क्या होते हैं? एक्टिंग इन एनी मैनर प्रीजुडिशियल टू द डिफेंस ऑफ इंडिया, रिलेशंस ऑफ इंडिया विद फॉरेन पावर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी फॉरेन पावर के जो रिलेशंस हैं उनके साथ, इंडिया की सिक्योरिटी के साथ कुछ भी ऐसा करे क्योंकि इंडिया के डिफेंस के अकॉर्डिंग प्रीजुडिशियल हो सकता है। रेगुलेट करे कॉन्टिनेंट, रेगुलेट करने के लिए जो कॉन्टिनेंट प्रेजेंस होती है किसी फॉरनर के इंडिया में, और विद ए व्यू टू मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर हिज एक्सपल्शन फ्रॉम इंडिया। कोई फॉरनर के ऊपर शक होता है कि इंडिया में है, उसके क्या क्या मतलब हो सकता है उसका कि वो इंडिया में क्यों रह रहा है इतने टाइम से, या फिर उसको किसी को इंडिया से बाहर निकालना हो ज़बरदस्ती, तो इस एक्ट का यूज़ किया जा सकता है। प्रिवेंट करने के लिए किसी को किसी ऐसे मैनर में एक्ट करे जो कि फॉर एक्टिंग इन एनी मैनर दैट इज़ प्री जुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी। इंडिया के अंदर किसी भी सप्लाईज वगैरह की कोई कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है, जैसे कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गया, फ्यूल हो गया, फूड हो गया और बाकी लॉजिस्टिक्स हो गए, उस सब में ऐसा लगता है कि दिस पर्सन कैन कॉज हार्म, तो भी उसको डिटेन किया जा सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, हमारा संविधान क्या बोलता है? आर्टिकल 22 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अलाउ करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड रेस्ट्रिक्ट करता है पर्सनल लिबर्टी फॉर द रीजंस ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। रेस्ट्रिक्शन ऑन पर्सनल लिबर्टी मतलब पर्सनल लिबर्टी वर्ड का मतलब होता है आज़ादी, यानी कि आपको फिर कोई आज़ादी रह नहीं जाती, क्यों? क्योंकि उनके रीजंस ऐसे होते हैं स्टेट सिक्योरिटी के और पब्लिक ऑर्डर के, तो उसके कारण आपको डिटेन कर किया जा सकता है। आर्टिकल 22 क्लॉज 4 क्या बोलता है कि स्टेट दैट नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज डिटेंशन फॉर ए पर्सन ए लॉन्गर पीरियड देन 3 मंथ्स। इस कानून के हिसाब से ये होता है कि 3 महीने से ज़्यादा आप उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं लगा सकते, नहीं रख सकते। अगर उससे ज़्यादा रखना है तो आपको एक एडवाइजरी बोर्ड होगा, उसकी रिपोर्ट होगी, वो सफिशियंट होगी ऐसे करने के, तो आप कर सकते हो। फिर कुछ बात आई थी 44 अमेंडमेंट की कि भाई इसको कुछ रिड्यूस कर, जो ओपिनियन था ना एडवाइजरी बोर्ड का, उसको 3 से 2 महीने कर दिया जाए, हालांकि ये सिर्फ रिपोर्ट ही बन के रह गया, इसको अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो अभी 3 महीने वाला है और एडवाइजरी बोर्ड वाला है। ड्यूरेशन क्या होती है? एनएसए के अंदर के जो इंडिविजुअल होता है ना, उसको आप चार विदाउट चार्ज 12 महीने तक डिटेन करके रख सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ इंटीमेट करना होगा कि भाई ये जो इंसान है डिटेन किया गया है एनएसए के अंदर, यानी कि इन्फॉर्म करना होता है स्टेट गवर्नमेंट को। पर्सन जिसको डिटेन किया जाता है एनएसए के अंदर, उसको 10 दिन तक तो आप बिना बताए कि उस पर क्या चार्ज लगाओगे, वैसे बिना बताए भी रह सकते हो, जरूरी नहीं 10 दिन तक बताना। अपील क्या की जा रही है? जो डिटेन पर्सन होता है वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट के जो एडवाइजरी बोर्ड होता है, लेकिन उनको लॉयर की परमिशन नहीं होती ट्रायल के अंदर। क्रिटिसिज्म क्या है? एनएसए को रिपीटेडली एक क्रिटिसिज्म के अंदर रखा गया था क्योंकि ये पुलिस के द्वारा बहुत गलत तरीके से यूज़ किया गया है। तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट 2001 की, उसमें कहा था कि मोर देन 14 लाख पीपल वर हेल्ड अंडर प्रिवेंटिव लॉज इन इंडिया। देखो जो 2001 की रिपोर्ट थी, 2020 चल रहा है अभी, ना जाने कितने लोग इसके अंदर जा चुके होंगे अब तक। हाउ इज़ इट ड्रेकोनियन? ड्रेकोनियन कैसे होता है? ड्रेकोनियन वर्ड का मतलब है ड्रैकुला, ड्रैकुला मतलब जो खून पी जाता है। तो ये ऐसा कानून ऐसे कैसे कि खून पीने वाला कानून कैसे हो गया? टिपिकली एक इंसान को जब आप अरेस्ट करते हो तो उसके कुछ राइट्स होते हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको बेस्टॉ किया है, यानी कि उसको दे रखे हैं। जो पर्सन होता है उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका अरेस्ट करने का रीज़न क्या है। अंडर सेक्शन 50 जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, उसके अंदर जो बंदा अरेस्ट होता है उसको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। हाउएवर एनएसए के अंदर आप पर्सन को 10 दिन तक बिना बताए इन होल्ड करके रख सकते हो कि भैया क्यों तेरे को होल्ड किया हम लोगों ने।
सेक्शन 55 और 76 जो है सेम पिनल कोड का, वो गारंटी करता है कि जो डिटेन पर्सन है उसको कोर्ट के सामने लाया जाएगा 24 घंटे के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल 22 क्लोज 1 जो है सब कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अलाउ करता है डिटेनी को कि वो लीगल एडवाइस ले सके अपने लीगल प्रैक्टिशनर के अंदर, लेकिन सेम चीज़ अगर वो NSA के अंडर होता है तो ये सारे के सारे राइट्स जो हैं उसके ख़त्म हो जाते हैं। ऑल राइट, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक भी करेंगे बाद में।